हाय गाइस, मैं मानस सिंह और आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल कैरी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपका लेक्चर 4 लेकर हाजिर हूँ। तो इसके पहले मैं लेक्चर 3 में जो है कुछ चीजें बताया हूँ, नहीं देखे वीडियो तो प्लेलिस्ट से उसको देख लेना, हूँ सभी वीडियो को पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्रायल बैलेंस बताऊंगा, अकाउंट जो का शास्त्र होता है उसका जो है ट्रायल बैलेंस आपका क्लास 11 की जो बुक है उसमें आपको मिलेगा। ये आपका चैप्टर नंबर जो आपका है 11 का चैप्टर जो है 13 आपका है ट्रायल बैलेंस, कक्षा 11 की 13वां चैप्टर ट्रायल बैलेंस है उसमें आपको ये मिलेगा। वहां से आप देखिएगा और आइए हमारे वीडियो को समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता है क्या गाइस। तो ट्रायल मीन्स क्या होता है, ट्रायल मीन्स होता है जांच करना, ठीक है, जांच। और बैलेंस मीन्स होता है सेल, ओके, शेष राशि। तो शेष राशि की जो जांच होती है गाइस वही क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस हम कब करना चाहते हैं, तो लिख लीजिए डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस क्या होती है कि ऑल क्रेडिट एंड ऑल डेबिट बैलेंस इन व्यू चेकिंग इज एरर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। मतलब पूरा जो डेबिट हुआ है, पूरा जितना क्रेडिट हुआ, जितना पैसा आप दिए हैं, जितना पैसा आपको मिला है, उन सबको लास्ट में जोड़ करके हम देखना होता है कि इसमें कोई गलती की है कि नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं गाइस। तो ये ट्रायल बैलेंस जैसे आप किसी फर्म में हो, कंपनी में हो, स्कूल में हो, तो आपको वर्ष के अंत में या किसी विशेष तारीख को एक ट्रायल बैलेंस बना करके अपने मालिक को देना होता है कि इतना आपके कंपनी में फायदा हुआ है, घाटा हुआ है, देना होता है। अब स्कूल में प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल को भी ट्रायल बैलेंस देना होता है, मैनेजर को, डायरेक्टर को, कि आपके स्कूल में एक साल में इतना इनकम हुई है, इतना खर्च हुआ है। तो टोटल जो है ट्रायल बैलेंस में हमें बराबर दिखाना होता है, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट एकदम इक्वल हो रहा है तो आपका जो प्रोसीजर है सही गया है। तो ट्रायल बैलेंस में गाइस पहले हम क्या होता है अब कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए ट्रायल बैलेंस में गाइस पहले हम क्या होता है, हम जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जर्नल, जर्नल हो गया। अब जर्नल बनाने के बाद ये इसमें हम लिखेंगे जर्नल में, जर्नल के बाद हमारा क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद गाइस हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, लेजर, यानी LEDGER, लेजर बनाओगे। तो लेजर के बाद हमारा क्या आता है गाइस, लेजर जब हमारा बन जाता है, अलग अलग चीजें हम लिख लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको चेक करते हैं सही है गलत है। तो यही हमारा तीसरा स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो कि आज हम अपनी बताएंगे आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स हो गया व्यापार। तो इस व्यापार में आपका क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा। मतलब सबको अलग अलग प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना हुआ, सब कुछ हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे। और इसके बाद क्या जाता है, बैलेंस शीट, क्या आएगा, बैलेंस, बैलेंस शीट। भाई मैं सब चीज एक एक करके अभी आपको कुछ दिन में दे दूंगा। तो बैलेंस शीट होगा, उसके बाद हमारा लास्ट में हम क्या बनाते हैं कंपनी में, फाइनल अकाउंट शीट होता है, फाइनल, फाइनल अकाउंट होता है हमारा, ओके, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, अंत में फाइनल अकाउंट बना करके हम उनको दे देते हैं गाइस। तो इतना उसकी प्रोसेस है। तो गाइस अब ये समझना है कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा। तो ऐसे खास तो हम नहीं कर सकते, एक्सेप्शन भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो गाइस डेबिट में होता है, डेबिट में क्या क्या आ सकता है गाइस, तो डेबिट में होता क्या है, आप जो पैसा दिए हो उसको क्या कहते हैं, डेबिट होता है। इसमें आपका आता है कौन कौन सा, एक्सपेंस हो गया, मतलब खर्च कितना हुआ दिए हो, उसके बाद आपकी हो गई लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हो गया। अब उसके बाद आपका जो है एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटीज, और जो और अदर एक्सपेंस जब पैसे लग रहे हैं वो आपका इसमें आ जाएगा। और क्रेडिट में क्या आता है गाइस, क्रेडिट में गाइस वो सभी चीजें आती हैं जो कि हमें मिलता है। तो इसमें क्या होता है, रिवेन्यू हो गई, रिवेन्यू। अब इसके बाद सेल्स, सेल्स अकाउंट हो गया। और उसके बाद आपका जो भी पैसा और आपका एसेट हो गई, एसेट हो गया। और उसके बाद हाँ, इसमें और आपका कैपिटल आएगा, ठीक है, डेबिट हमारा क्या आएगा, कैपिटल भी आएगा, ठीक, कैपिटल माने पूंजी हो गई, पूंजी हम लगाते हैं, देते हैं। तो ये तीन चीजें, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और कैपिटल, जो है डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में हमारा रिवेन्यू आएगा, असेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद सेल आएगा, जो सेल हुआ है बिका है सामान वो सभी हमें पैसा मिलेगा। तो ये हमारा क्रेडिट में जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो अब आइए इसका हम
फॉर्मेट बताते हैं। फॉर्मेट ये आपका देखिए, फॉर्मेट हमारा हो गया है कि किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसका फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए और उसके आपको बहुत काम आने वाला है। तो पहले हम मान लीजिए यहाँ ऊपर जो कंपनी है जिस फर्म में आप रहते हैं उसका नाम लिखेंगे, हिंदुस्तान लिमिटेड मान लीजिए उसमें है, जो भी कंपनी है पहले जो भी कंपनी है उसका काम नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, तो एज ऑन लिख करके आपका जो डेट है जिस दिन आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं लास्ट के में वर्ष के अंत में फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो बना रहे हैं वो डेट लेंगे। मान लीजिए मैं आज का ही फाइनेंशियल अंत है तो 28/2/2001 आज मैं बना रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3 नंबर जो है वो लिखेंगे। नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, मतलब किस अकाउंट में किस खर्चे में आपका कहाँ पैसा गया है, कहाँ से आया है, उन सभी को हम इसमें लिखेंगे गाइस। और इसका लेजर फोलियो लिखेंगे, इसमें लेजर का फोलियो जो लेजर है कितने पेज पर कौन सा हिसाब हुआ उसका नंबर भी यहाँ करेंगे। और यहाँ डेबिट, डेबिट को हम स्टार्ट में DR लिखते हैं, DR अमाउंट, डेबिट अमाउंट हो गया मतलब कितना पैसा हमने दिया है किसी को वो लिखेंगे। और क्रेडिट को हम स्टार्ट में लिखेंगे CR, तो CR मीन्स हो गया क्रेडिट, तो मतलब इसमें क्या लिखेंगे जितना पैसा हमें कुल मिला है वो लिखेंगे। तो भाई चलिए इसको बना लेते हैं। मान लीजिए नंबर 1 हमारा है सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट मतलब कि आप अपने वर्करों को पैसा दिए हो, तो मान लीजिए वो लेजर फोलियो में 1024 मान लीजिए आपका लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो लिख दीजिए पेज के नंबर जो है। उसके बाद डेबिट कितना आपने दिया सैलरी के रूप में, मान लीजिए आपने 10,000 सैलरी दे दिया सबको, ठीक है, 10,000 रुपये आप जो सैलरी दे दिए। अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है रेंट, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट गाइस, आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं जिसमें आप रह रहे हो तो उसका भाड़ा भी तो दोगे कंपनी खोले हो तो मान लीजिए भाड़े के रूप में आपको इसका 1025 मान लीजिए पेज नंबर हो गया फोलियो नंबर। अब आपने इसमें कितना दे दिया 8,000 रुपये दे दिया इसको भाड़ा दे दिया। अब इसके बाद तीसरा आपका हो गया आपका क्या लाइबिलिटीज मान लो हो गया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कितना हो गया आपका गाइस, ये मान लीजिए पेज नंबर आपने 1035 पर इसको लिखा है तो लाइबिलिटी के रूप में आपने दे दिया 2,000 रुपये, ठीक 2,000 रुपये आपने लाइबिलिटी दे दिया। अब इसके बाद गाइस चौथा आता है हमारा सेल्स अकाउंट, मतलब ये सेल्स अकाउंट आपने अलग पेज पर कहीं पर लिखा है कितना सेल्स हुआ है पैसा कितना सामान बिका है उसके लिए है सेल्स अकाउंट से, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या हो गया गाइस, तो सेल्स अकाउंट मान लीजिए ये आपका लेजर फोलियो हो गया 1200 उसका लेजर फोलियो पेज नंबर पर है। तो सेल्स अकाउंट से हमें पैसा गाइस मिल रहा है, ये हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो रहा है तो हमें इसको हम किस में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो क्रेडिट में हमारा मान लीजिए हो गया ये 18,000 जो है ये आपका क्रेडिट हो गया गाइस। अब इसके बाद हमारा पाँचवा आता है इसमें रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब कुछ करोड़ आपको मिला रिवेन्यू कर हो गया, तो कर कितना हो गया पेज नंबर आपने किस पर इसको मान लीजिए लिखा है ये 1300 पेज पर लिखे है मान लीजिए इसको, तो इसमें आ नहीं रहा है, आ रहा है पैसा जा नहीं रहा ना, तो इसको हम छोड़ देंगे खाली। और ये मान लीजिए रिवेन्यू हमें मिल गया है कितना 2,000 रुपया। फिर अब हमको क्या टोटल निकालना है इसका, ठीक इस तरह से खींचेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल, ठीक है गाइस। अब टोटल देखेंगे अगर ऑल डेबिट ऑल क्रेडिट इक्वल हो रहा है तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर का हिसाब किताब है एकदम सही है, आपको कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। अगर यही गलत हो गया तो डायरेक्टर मैनेजर या जो भी कंपनी फर्म का मालिक होगा आपको चोर बना सकता है गाइस, तो इसलिए हमेशा इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा हिसाब सही है कि नहीं, तो चोरिए यहाँ आपका ये हो गया 0, ये भी आपका यहाँ 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 8, 2, 10 को 0 हो गया और ये 2, ये हमारा 20,000 रुपीज मैंने गाइस दिया है। अब हमको मिला है कितना है आइए उसको जोड़ते हैं, ये आपका हो गया यहाँ पर 0, 0, 0, 8, 2, 10 हो गया 0, यहाँ 1, 2, तो 20,000 गाइस देखो ये भी आ रहा है, 20,000 रुपीज ये भी है, 20,000 रुपीज ये भी आ गया है, तो मतलब कि हम देख रहे हैं कि ऑल डेबिट 20,000 ऑल क्रेडिट 20,000 मतलब हिसाब किताब एकदम बराबर हो गया है, तो इसमें कहीं भी इधर उधर नहीं है, तो इसमें नो एरर है, इसमें क्या है आपका नो एरर, नो एरर।
कहीं भी कोई गलती हमारी नहीं हुई है, तो मतलब बैलेंस एकदम सही गया है। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं गाइस। ये आपको परीक्षाओं में 11th 12th में काफी पूछे जाते हैं सब बनाने के लिए गाइस। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप पॉज करके स्क्राइब करके फिर से देख लीजिएगा, और ये आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए ताकि आप अधिक से अधिक बना सके, अपना अधिक से अधिक मार्क्स कलेक्ट कर सके गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो कुछ नया लेकर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आ गया, ट्रिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो चलते चलते लाइक कीजिए और अपने पढ़ने वाले सभी साथियों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहां तक हो सके खूब शेयर करो, जम के शेयर करो। और गाइस अगर चैनल में अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो अभी हमारे चैनल कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए ताकि रोजाना की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सके गाइस। और पसंद आए लाइक कीजिए, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।